जुड़े रहें NN वार्ता के साथ। नमस्कार, करदम कर्बियोंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डीजे ड्रॉ हूं और आप देख रहे हैं NN वार्ता कर्बियोंग नॉर्थ ईस्ट। नकली पुलिस द्वारा नकली चेकिंग कर पब्लिक से लूट रहे थे फाइन। HSLC के छात्राएं रिजल्ट को लेकर नाखुश। इस शख्स की हिम्मत को देखकर आपको भी सैल्यूट करने का दिल करेगा, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि लोगों को चूना लगाने के लिए, मतलब ठगने के लिए। यह है श्रीमान मंगल सिंह क्रू। ये होमगार्ड का नौकरी करते हैं असम फॉरेस्ट के लिए। हुआ यूं कि इन्होंने अपना 3 लोगों का गैंग बनाया, खुद बन गए बड़े पुलिस अधिकारी और 2 लोगों को बना दिया गया हवलदार। दीफू के आमलापट्टी दिमासा क्लब के नज़दीक चलाया गया अपना नाटक। रास्तों में आने जाने वाले गाड़ियों के कागज का किया छानबीन। इस चेकिंग के दौरान कई सारे कारणों से बतौरने लगे फाइन। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब असली पुलिस पहुंच गए नकली चेकिंग पर। 2 हवलदार, मतलब नकली हवलदार, भागने की कोशिश करते हैं पर सभी पकड़े जाते हैं। खबर के मुताबिक इनमें से 2 लोग कार्बी सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी से थे। इन पर केस फाइल किया गया धारा 170, 171, 419, 344 B4 के तहत और केस नंबर है 205। सभी HSLC के रिजल्ट्स को लेकर कई सारे गॉसिप कर रहे हैं। सरकार के डिसीजन पर गॉसिप, सेबा बोर्ड पर गॉसिप, स्कूल के शिक्षकों पर गॉसिप। कार्बी आंगलोंग ने हर साल के रिकॉर्ड आखिर तोड़ ही दिया इस 96% से ऊपर अच्छे रिजल्ट्स लाकर। हालांकि कभी 70% से ऊपर कभी पहुंचे नहीं थे। बच्चे फर्स्ट डिवीजन से क्वालिफाई कर गए पर खुश बिल्कुल नहीं दिखे। पूछने पर बताया गया लोग तारीफ नहीं बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं कि परीक्षा दिए बगैर फर्स्ट डिवीजन, वाह। हम आपको बता दें, वैसे ये मन मुताबिक सेवा द्वारा मार्क्स या रैंक्स नहीं दिए गए हैं। पिछले क्लास 9 के फाइनल परीक्षा, टेस्ट, प्रैक्टिकल, इन सब के परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंक दिए गए हैं। तात्पर्य यह है कि रिजल्ट खुलासा किया गया है परफॉर्मेंस को देखकर, बेवजह नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ स्कूल्स के टीचर्स अपने 10 स्टूडेंट्स के नाम फर्स्ट डिवीजन लिस्ट सेवा को सबमिट किए गए थे। 3 बार रिजेक्ट होकर आखिर सेकेंड डिवीजन दे दिया गया। और कुछ स्टूडेंट्स द्वारा तो अजीबोगरीब सवाल भी हमसे पूछे गए कि क्या सरकार हर साल की तरह फर्स्ट डिवीजन वालों को रिवॉर्ड देंगे, जैसे लैपटॉप हर साल बतौड़ते थे। एक स्टूडेंट ने तो हद ही कर दी, 99% रिजल्ट आने के बावजूद कह रहे थे अगर मैं एग्ज़ाम देता तो और भी अच्छा कर सकता था। मतलब उन्हें 99% नहीं 100% मार्क्स चाहिए। वाह। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, देखते रहिए NN वार्ता कर्बी आंगलोंग नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कार्बी आंगलोंग की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें कुरुर वांगथू।